आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है नोवा डिजिटल प्रोग्रेसिव। जैसा कि आपको मैं बताता हूँ कि इस चैनल के ऊपर स्पेक्टिकल से रिकॉर्डिंग वीडियो आती है, तो आज जो हम लेकर के आए हैं वो है नोवा का डिजिटल प्रोग्रेसिव, जो कि इस तरह की पैकिंग में आपका आता है। सैटिन लिखा हुआ है इसके अंदर, एक सैटिन की भी आती है लेकिन ये नोवा है। और ये इस तरह का कुछ ये लेंस होता है, बहुत अच्छा लेंस है सूट होने के हिसाब से, कि अगर आपको प्रोग्रेसिव अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप बैंकिंग जॉब है या बैंक में कोई मैनेजर टाइप की जॉब कर रहे हो आप, या कोई भी एक ऑफिस वर्क अगर कर रहे हो और एरिया आपको ज़्यादा चाहिए, अगर सिस्टम आपका ज़्यादा यूज़ है, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, डायोग्राम इसका बहुत अच्छा बना हुआ है सूट होने की। मेरी पूरी शॉर्ट है कि ये सूट होगा। डिजिटल प्रोग्रेसिव का मतलब होता है इसका जो ये रीडिंग का एरिया होता है ये आपको वाइडर मिलता है। ये वाला जो पार्ट है ये होता है डिस्टेंस का, और ये वाला जो होता है ये रीडिंग का होता है, और बीच वाली जो लाइन आ जाती है इसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, जो वो भी आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में मिल जाता है। आपको साइज़ वाइज भी काफ़ी अच्छा होता है इसका। दूसरा, इसके ऊपर इसकी ओरिजिनलिटी की बात अगर मैं करूँ तो इसके ऊपर एक नोवा की ब्रांडिंग आती है। अगर इसके अंदर सैटिन प्लस लोगे तो उसका सैटिन प्लस लिखा हुआ आता है, और ये नोवा है तो इसके ऊपर नोवा की यहाँ पे ब्रांडिंग आती है। वो भी मैं आपको फिट होने के बाद दिखाऊंगा कि किस तरह से दिखेगा और किस तरह से इसकी फिटिंग के बाद ये लेंस बन करके आता है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। तो नोवा लेंस की पैकिंग कुछ इस टाइप की आती है, जैसा कि आप देख सकते हो पावर कुछ ज़्यादा खास है नहीं, एक्सपेरिकल -1 और एडिशन जो है 1.5, नीचे लिखा हुआ नोवा ट्रेंड फ्री 2.0, और 25 साल पुरानी ये कंपनी है और 10 कंट्रियों के अंदर ये अपना एक्सपोर्ट किया जाता है। और अगर मैं दिखाऊं आपको ये लेंस, तो कुछ इस तरह का जो इसके अंदर जो लेज़र मार्किंग है कंप्यूटराइज जो प्रोग्रेसिव डिजिटल की आती है वो इस तरीके से आती है। नोवा ट्रेंड फ्री ऊपर लिखा हुआ है, और जो इसका बीच जहाँ पे प्लस के ऊपर जो दो सर्कल देख रहे हो ना एरो टाइप का, ये डिस्टेंस का पूरा एरिया कवर कर जाता है आपका। और ये वाला आता है नीचे रीडिंग का। इस फ्रेम में जा रहे हैं हम इसको फिट करने। सेंटर ऑफ साइड देख आप देख सकते हो कि जो इसकी पीडी है बिल्कुल उस सेंटर पे रख के हमने इसको कट करना है, और कट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि लेंस कैसा दिखेगा। तो अब जा रहे हैं हम इसकी कटिंग करने, और कटिंग करने से पहले हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं ताकि ये कहीं पे ख़राब ना हो। वैसे ऑटोमेटिक मशीन के अंदर ये मार्किंग करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो गेज के साथ ही वो उसके अंदर डिज़ाइन में वो कट जाता है। साथ ही ये इसका सेंटर पॉइंट है एक्सेस वाला, और ये लेंस चलते हैं हम इसकी कटिंग करने के बाद इसकी ग्राइंडिंग के ऊपर। प्रोग्रेसिव इज़ द बेस्ट पार्ट, कि अगर आप प्रोग्रेसिव यूज़ कर रहे हो ना तो वो डिजिटल हो तो ज़्यादा बढ़िया है, तभी आपको मज़ा आता है उसको पहनने में। नॉर्मल प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि आप लगा तो लेते हो लेकिन वो थोड़ी सी दिक्कत आती है, और ये लेंस हमारी कटिंग अब हो चुकी है और ये एरियाज का वेस्टेज है जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब करते हैं इसकी ग्राइंडिंग, और अब हम जा रहे हैं इसको फिटिंग करने। जैसा कि आपने ये मशीन मेरी देखी रखी है पहले भी कि इसकी फिटिंग कैसे होती है, फिटिंग दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है वीडियो में, लेकिन मैं दिखा इसलिए रहा हूँ आपको कि आपको थोड़ी सी नॉलेज रहे कि इसकी फिटिंग होती कैसे है और चश्मे को कैसे बनाया जाता है। बेसिकली इसको डायमंड मशीन कहते हैं, तो आज हम इसमें इसकी ग्राइंडिंग करेंगे, वो भी हैंड में। ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, हैंड है, इसी से काम चलाना है, ठीक है। ये आ गया हमारा लेंस। तो जैसा कि आपने देखा इसकी पूरी ग्राइंडिंग, तो ये ग्राइंड हो चुका है। और एक चीज़ और,
जो टेक्नीशियन है हमारे, जो बिगिनर्स है जो फिटिंग करना सीख रहे हैं, उनके लिए जो सीख चुके हैं जो प्रोफेशनल है, ये उनके लिए नहीं है, जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए मैं एक बात बताऊँ कि जब भी आप प्रोग्रेसिव को फुल फ्रेम में या हाफ फ्रेम सेमी फ्रेम में फिट करते हो तो मेक श्योर उसको ग्रैंड करने के बाद बफिंग ज़रूर कर दिया करो। इससे टेक्नीशियन की क्लैरिटी का पता चलता है, उसकी काबिलियत का पता चलता है कि वो किस तरह सा लेंस फिट करने में कैसा अच्छा है। तो मैं इसको बफिंग करके फिर मैं इसको उसके अंदर फिट करूँगा, ठीक है। तो फाइनली हो चुका है फिट, और देख सकते हो उसकी पूरी की पूरी फिटिंग होने के बाद ये किस तरह से दिख रहा है। और ये रहा इसका फॉग आईडी जो लिखा हुआ आता है यहाँ पे, आप देख सकते हो, शायद मैं दिखा सकूँ आपको, नोवा की ब्रांडिंग यहाँ पे आ रही है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, ये रहा, ये क्लियर दिखे आपको नोवा। तो वीडियो को करता हूँ ख़त्म, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।